चित्त शुद्धि का परम साधन भागवत कहा गया है। जितने जितने दोष हैं, दुख हैं, वो चित्त की अशुद्धि का फल है। प्रज्ञा अपराधो मूलम सर्वदोषाणाम, प्रज्ञा अपराधो मूलम सर्वरोगाणाम। प्रज्ञा के अपराध से ही रोग और दोष होते हैं, और श्रीमद् भागवत से प्रज्ञा का पावन होना सहज में ही, मन का पवित्र होना, प्रज्ञा का पावन होना, चित्त शुद्ध होना, ये भागवत सहज साधन है, सुगम साधन है। जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के जो हेतु है उस परमात्मा को प्रणाम करने की बात आई इसमें श्रीमद् भागवत में। इस भागवत ग्रंथ के चार नाम है, भगवत जनों की कथा है इसमें, जिसमें भगवत तत्व ओतप्रोत हो गए ऐसे संतों की, ऐसे भागवतों की कथा है, इसलिए इसका नाम भागवत है। दूसरा नाम है इसका है भागवत महापुराण, और सब पुराण है ये महापुराण है। तीसरा नाम है इसका कल्पद्रुम, जिस कल्पना से, जिस श्रद्धा से, जिस भावना से, जिस संकल्प से इसको पढ़ते सुनते हैं वही फलित हो जाता है। और चौथा नाम है परमहंस संहिता। सुखदेव जी महाराज इतने उच्च कोटि के संत हैं कि जन्मते ही वो जंगल के तरफ चलने लग गए, पिता पीछे पड़े, बेटा बेटा सुनो, प्राणी मात्र के साथ उनका तादात्म्य है, वृक्षों ने जवाब दिया सुखदेव जी के बदले में। ऐसे परमंस कोटि के संतों को भी जो निर्गुण निराकार अकाल पुरुष में निष्ठा रखते हैं, ऐसे पुरुषों को भी भागवत रस देता है, आनंद देता है, परमहंसों के लिए भी ये रसप्रद है, इसलिए इसका नाम परमहंस संहिता भी है। श्रीमद् भागवत में ये प्रारंभिक श्लोक आता है कि सच्चिदानंद स्वरूपाय, सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे, विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः, श्री कृष्णाय वयम नमः। सच्चिदानंद स्वरूपाय, जो सत है, चित है और आनंद स्वरूप है, ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं। पाप का फल दुख होता है, कथा सुनने से, पुण्य कर्म करने से, जप ध्यान करने से पाप कटता है, लेकिन ताप तो महाराज भगवान को प्रणाम करने से दूर होता है। पाप का फल है दुख, पाप कटता है तो दुख तो गया, लेकिन जो पाप का परिपाक है ताप अशांति, वो ताप तो भगवान को प्रणाम करने से मिटता है। आदि दैविक ताप, आदि भौतिक ताप और आध्यात्मिक ताप भगवान को नमन करने से मिटता है। न ममह में से नमन बना है, न ममह, ये मेरा नहीं है, तेरा है। यागिक लोग भी जानते यज्ञ करते समय ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय न ममह, ओम वरुणाय स्वाहा इदम वरुणाय न ममह, ओम कुबेराय स्वाहा इदम कुबेराय न मम, न मम में से बना है नमः, नमस्कार। तो ये जीव जो अपने अकड़ में, अपने अहम में, मैं और मोरे में लगा है, तो उससे पाप ताप होते हैं कि नमन में और मोरे की गांठ खुली करा देता है। तो हम उस सच्चिदानंद परमात्मा को प्रणाम करते जो सृष्टि के आदि में था,
सृष्टि की उत्पत्ति का जो कारण है, सृष्टि की स्थिति का जो कारण है और सृष्टि जिसमें प्रलय हो जाती, ऐसे परमेश्वर को हम नमस्कार करते हैं। क्यों नमस्कार करते हैं कि तीनों ताप मिटाने के लिए नमस्कार करते हैं। सुखदेव जी का यज्ञोपवीत नहीं हुआ था, व्यास पुकारते पुकारते पीछे गए, ऐसे विरक्त शिरोमणि सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत के वक्ता है। और एक छत्र राज्य था युधिष्ठर के कुल में, जो कुलदीप उत्पन्न हुए थे, पांडवों के कुल का जो परीक्षित है वो इस भागवत का श्रोता है। दूसरा सूत जी महाराज के चरणों में शौनक आदि ऋषि प्रार्थना करते हैं कि अब कलयुग का प्रवेश हो रहा है, चारों तरफ मन मलिनता के तरफ घसीटा जा रहा है, हम लोगों ने यज्ञ आरंभ किया है लेकिन यज्ञ की पूर्ति में आप हमें भगवत कथा सुनाई, कलयुग के दोषों से बचने का उपाय बताइए, मनुष्य के अंदर आत्मा के ज्ञान का विकास कैसे हो, वैराग्य कैसे हो, दुख सुख के थपेड़ों से छूटकर परमानंद कैसे प्राप्त हो। नैमिषारण्य में सूत जी से पूछते हैं शौनक आदि ऋषि, भक्ति ज्ञान आदि विवेक कैसे प्राप्त हो और कलयुग के दोष कैसे दूर हो। हे महापुरुष, चिंतामणि तो लोक में सुख देती है, कल्पवृक्ष स्वर्गीय सुख देता है, लेकिन संत पुरुष प्रसन्न हो जाए, उनके हृदय में जगह मिल जाए तो वैकुंठ दुर्लभ सुख वो यहीं अनुभव करा देते हैं, आनंद का साक्षात्कार करा देते हैं। चिंतामणि लोके सुखम सुहृद्रुह स्वर्ग संपदम प्रच्छन्ति गुरु प्रीतो वैकुंठ योगी दुर्लभम। आप हमें ज्ञान भक्ति बढ़े ऐसा उपदेश दीजिए। इस कलयुग ने तो जहां तहां अपने पैर पसारे हैं। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को उपदेश देते हैं और सूत जी महाराज शौनक ऋषियों को कहते हैं कि सुखदेव जी से जो मैंने सुना है मैं उनका ध्यान करके तुमको बताता हूं। गुरु परंपरा का परिचय देते सूत जी ने, सुखदेव जी महाराज का मैं शिष्य हूं, उनकी कृपा मुझ पर बरसी है, जो मुझे स्मरण है वो मैं तुम्हें सुनाता हूं। तो सूत जी महाराज शौनक को सुनाते हैं, सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सुनाते हैं, सनकादि ऋषि नारद को सुनाते हैं और ब्रह्मा जी ऋषि से नारद ने चतुर्श्लोकी भागवत सुना था। जब एक ही बात भिन्न भिन्न महापुरुष भिन्न भिन्न प्रसंग में भिन्न भिन्न जगह पर कहते हैं तब उस बात की पुष्टि होती है, उसकी सच्चाई की दृढ़ता होती है। सुखदेव जी महाराज जब कथा का आरंभ करते हैं तो स्वर्ग में से देवता आए, महाराज हम अमृत का कलश तुम्हारे शिष्य परीक्षित को पिला दें, बदले में आप हमें भगवत कथा सुनाए। सुखदेव जी विचार करते कि स्वर्ग का अमृत पीने से तो पुण्य नष्ट होते और अप्सराएं मिलती है, सत्संग का अमृत पीने से पाप नष्ट होते और शांति मिलती है, स्वर्ग का अमृत पीने पर भी राग द्वेष रहता है और कथा का अमृत पीने से राग द्वेष क्षीण होता है, स्वर्ग का अमृत पीने से अंत में आदमी का पतन होता है, मृत्यु लोक में आता है और कथा का अमृत पीने से अमर पद को पाकर मुक्त हो जाता है। तो ये हरि कथा का अमृत और स्वर्ग का अमृत की तुम बराबरी कर रहे, तुम कांच का टुकड़ा देकर कोहिनूर लेना चाहते हो, जाओ तुम्हारा यहाँ काम नहीं है। सुखदेव जी महाराज ने देवताओं की हंसी कर दी, इनकार कर दिया,
ये भागवत ऐसा अमृत है कि स्वर्ग के अमृत की भी इसके आगे कीमत नहीं। पीत्वा ब्रह्मरस योगिनो भूत्वा उन्मतः इंद्रो मपि रंकवत भाष्येत अन्यस्य का वार्ता। तीन टूक कॉपी न की भाजी बिना लून तुलसी हृदय रघुबीर बसे तो इंद्र बापड़ा कौन। हृदय में रघुवीर का आत्मदेव का जब सुख आ गया तो इंद्र का वैभव क्या महत्व रखता है। दूसरी मद भागवत से भागवत की कथा से कानों के द्वारा भगवत चर्चा भगवत भाव जाता है। हमारी अंतःकरण की वृत्ति भगवताकार बनती है। अंतःकरण दोष रहित होता है। जब चित्त दोष रहित होता है तो इंद्रियों में भी निर्दोषता आती है और संसार सुखमय आनंदमय माधुर्यमय होने लगता है। जब चित्त में दोष होता है तो इंद्रियों में भी दोष आता है, व्यवहार में भी दोष आता है, तो संसार नरकमय हो जाता है, दुखमय हो जाता है, क्लेशमय हो जाता है। नारद जी ने कहा, संसार तापे तप्ता नाम योगो परम औषधः। संसार के ताप में तपे हुए जीवों के लिए योग परम औषध है। भक्ति योग, ध्यान योग, कर्म योग, ज्ञान योग, योग में भी पेटा विभाग बहुत है, लय योग, हठ योग, नादानुसंधान योग, तो ये सारे योगों का तात्पर्य, सारी कथाओं का तात्पर्य कि ये जीवात्मा परमात्मा का सनातन चैतन्य अंश है। ये सृष्टि तो चलती रहेगी, उथल पाथल होती रहेगी, कोई स्थिर वस्तु रहने वाली नहीं है। चांद सफर में, सितारे सफर में, दरिया सफर में, दरिया के किनारे सफर में, तो शायर तुम बेसफर कैसे रह सकते। तुम्हारा तन भी सफर में, तुम्हारा मन भी सफर में, तुम्हारी मति भी सफर में, ये प्रकृति की चीजें हैं। खून पसीना बाता जा, तान के चादर सोता जा, ये किस्ती तो हिलती जाएगी, तू हंसता जा या रोता जा। तो इन कथाओं का और योग का तात्पर्य है कि जो सफर में चीजें हैं उनके सफर का मजा लो, जो परिवर्तित चीजें हैं उनके परिवर्तन का आनंद लो, और जो अपरिवर्तित आत्मा है उसका अनुभव करके मुक्त हो जाओ। संसार ऐसा है जो फरासो झरा, जो पैदा हुआ वो नाश के तरफ चलने चल रहा है। जहां संयोग है वहां वियोग भी है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मिली है और बिछड़े नहीं। या तो हम धन से बिछ, या तो धन हम सेठ को छोड़ जाता है, या तो सेठ धन को छोड़ जाता है, या तो पति पत्नी को छोड़ के चला जाता है, या तो पत्नी पति को छोड़ के चली जाती, या तो हेल्थ तंदुरुस्ती व्यक्ति को छोड़ जाती, नहीं तो व्यक्ति तंदुरुस्ती को छोड़ के चल देता है। यहाँ सब जो कुछ मिला है छूटने वाला है। छूटने वाले को छूटने वाला समझने से बड़ी भीतर शांति रहती है। एकाएक लाइट, अरे रे 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 लाइट चली गई, अरे अरे लाइट चली गई, लेकिन रोज सूरज डूबता है, इतना बड़ा लाइटों का बाप रोज सूर्यास्त होता है, तो अरे रे तो नहीं करते क्योंकि सूरज डूबता है पता है, शाम होती रात होती पता है। ऐसे ही संसार में ऐसा होता है, ये पता रख लो। अरे भाई ने ऐसा कर दिया, होता है। अरे पत्नी रूठ गई, ये इसी का नाम दुनिया है। अरे पत्नी राजी हो गई, इसी का नाम दुनिया है। बेटा लोफर हो गया, इसी का नाम दुनिया है। बेटा सेवक है, अरे होता है ये। ऐसा क्या है जो संसार में नहीं होता है। जयराम जी की। तो इस प्रकार समझ ले, तुम्हारा घर तो बहुत नन्हा छोटा घर है और तुम्हारा व्यक्तित्व बहुत नपातुला है। भगवान शिवजी के घर में भी कभी कभी गड़बड़ होती, भगवान राम जी के घर में भी गड़बड़ होती, और कृष्ण के यहाँ तो खूब गड़बड़ होती थी। जब कृष्ण के यहाँ गड़बड़ हो सकती, राम के यहाँ गड़बड़ हो सकती, शिवजी के यहाँ गड़बड़ हो सकती, तो चंगू मंगू पीछे लग्गू के घर में गड़बड़ हो गई तो क्या प्रॉब्लम है। इसी का नाम दुनिया है भैया। नारायण हरि, बोला ना, नारायण हरि, नारायण हरि, नारायण।
शिव जी नहीं चाहते थे कि पार्वती अगस्त ऋषि के लिए ऐसा वैसा सोचे। शिव जी ले गए पार्वती को, चलो कथा सुने। अगस्त ऋषि के आश्रम में गए और ऋषि ने उठकर शिव जी का वेलकम किया। पार्वती ने कथा तो सुनी लेकिन बोले, ये महाराज कैसे, ये तो हमारा अभिवादन कर रहे। तो बड़े बड़े संत होते तो ये अभिवादन क्यों करते। तो एक तो संत की सरलता में शिव जी के साथ संत ने उदार व्यवहार किया, सरल व्यवहार किया। पार्वती को प्रसन्न होना चाहिए लेकिन पार्वती के मन में संत के लिए दोष पैदा हो गया। एक गलती ये हुई और दूसरी गलती हुई कि राम को साधारण पुरुष मानकर पार्वती ने संदेह किया कि अगर ये साक्षात नारायण होते तो हाय सीते 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 करके खोजते क्यों, ये प्राकृतिक पुरुष जैसा खोज रहे तो मुझे परीक्षा करनी है। शिव जी ने कहा, नहीं ये तो नर लीला कर रहे, छोड़ो, मेरे इष्ट देव है, नारायण है, मेरे ब्रह्म स्वरूप है, इनकी परीक्षा की। पार्वती ने कहा, नहीं मुझे जाने दो, अच्छा परीक्षा तो लेना लेकिन एकदम लिमिट में रहना। पार्वती ने क्या करा कि जहाँ राम वन में घूम रहे हैं सीते सीते करके, वहीं गहरी झाड़ियों में पार्वती ने सीता का रूप धारण कर लिया और इधर उधर विचरण करने लगी ताकि राम जी देखे और सीता सीता समझ के मेरे पीछे दौड़े। लेकिन राम की नज़र पड़ते राम ने कहा, माँ अकेले इधर क्यों भटक रही हो, मेरे भोलानाथ कहाँ रहते। तो इन दो गलतियों के कारण पार्वती जी को दक्ष यज्ञ में देह का त्याग करना पड़ा। तो पार्वती से भी गलती होती है और पार्वती और शिव जी के यहाँ भी जब योगाग्नि, अब तुम अपनी जो ये लोग जो आत्महत्या करते इससे तो बहुत अपराध माना गया है, लेकिन योग शक्ति से योग सामर्थ्य से योगाग्नि प्रकट करके दूसरा शरीर धारण कर लिया तो इसमें शास्त्रीय ढंग से कोई अपराध नहीं माना जाता। लेकिन शिव जी के यहाँ भी ऐसा हो सकता है, राम जी के यहाँ राम वनवास राम राज्य की शहनाइयाँ बज रही है, कौशल्या जी मंगल मना रही है, सीता जी दान पुण्य कर रही, सासू जी के साथ साथ सत्कर्म में लगी है, चारों तरफ खुशियां है और राम राज्य होने की जो शहनाइयाँ बज रही, एकाएक कैकेयी और मंथरा ने चक्कर ऐसा घुमाया कि राम वनवास हो गया। जब राम जैसे राम के घर में, दशरथ जैसे पुण्यात्मा के घर में, कौशल्या जैसी दानवीरता के और अम्बा के घर में ऐसा हो सकता है तो फिर औरंगाबाद में अथवा संभाजी नगर में कभी कुछ हो जाए तो तुम समझना कि इससे बड़ा बड़ा हो गया, तो नेवर माइंड होता रहता है, अपने को परेशान मत करना। जय राम जी की। प्रयत्न करो, अच्छा हो, बढ़िया हो, सवारो सुधारो, लेकिन कुछ गड़बड़ हो जाए तो समझना इससे बड़ी बड़ी गड़बड़ पहले हो चुकी। कृष्ण भगवान जिनके पक्ष में है और साक्षात धर्मराजा युधिष्ठिर जिनके साथ है और भीम, ओ कई हाथियों का बल रखने वाला भीम जिसका बेटा है, गांडीव धनुष्यधारी अर्जुन जिनका पुत्र है, ऐसी कुंता रानी को भी कालचक्र ने इतना सारा दुख दिखाया तो फिर हमारे तुम्हारे जीवन में कभी दुख बाधा आ जाए तो डाइवर्स देने का भी मत सोचिए और नई लाने का भी मत सोचिए। इसी का नाम दुनिया है धैर्य रख के थोड़ा आगे बढ़ते जाइए। जय राम जी बोलना पड़ेगा। जो बिल्कुल छोटे मन के हैं वो थोड़ा सा घर में गड़बड़ होती है तो चलो पत्नी को डाइवर्स दे दो, पत्नी सोचती है पति को डाइवर्स दे दो, लेकिन बेवकूफ़ी को डाइवर्स दे दो तो बहुत अच्छा होगा। तो परदेश में ये बड़ी बेवकूफ़ी चल पड़ी है कि जरा प्रॉब्लम हुआ तो पति पत्नी से अलग हो गई, पति पत्नी से अलग हो गया, बाप बेटे से अलग हो गया, बेटे से अलग हो गए या बाप से अलग हो गए, पत्नी से अलग हो गए या पति से अलग हो गए, दोस्त से अलग हो गए, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम नहीं जाते, बेवकूफ़ी से अलग हो जाओ। और बेवकूफ़ी से अलग होना है तो श्रीमद् भागवत की कथा में आ जाओ। भागवत बेवकूफी मिटाता है, अज्ञान मिटाता है। श्री कृष्ण ने कहा,
न दत्तम कश्चित पापम न सुकृतम विभु अज्ञाने न आवृतम ज्ञानम तेन मोहंती जंतवाः। अज्ञान से जिनका ज्ञान ढक गया है ऐसे लोक विमोहित हो जाते, मोहित हो जाते, मोह मतलब उल्टे ज्ञान को मोह बोलते हैं। तो हम अमर आत्मा चैतन्य सुख स्वरूप, लेकिन उसका पता नहीं है, हाड़ मास के शरीर को ही मैं मानते और मिटने वाली नष्ट होने वाली चीजों को ही मेरा मानते हैं। वास्तविक में मैं क्या हूँ ये पता नहीं, और वास्तविक में मेरा क्या है ये भी पता नहीं। उल्टी चीजों को मैं और उल्टी चीजों को मेरा मानते, जो वास्तविक में मैं नहीं हूँ उसको हम मैं मानते हैं। मैं मोहन भाई, मैं कमला भाई, मैं फलाना भाई, मैं फलानी भाई, है तो हार्ड मास का थैला और ये तो कई बार मिला कई बार छोड़ा, उसी को हम मैं मानते और उसी के साथ संबंधित वस्तुओं को मेरा मानते। अब ये माला है, एक दिन पहले किसान बोलता था मेरा माल है, सुबह सुबह तक तो माली ने भी बोला होगा मेरा माल है, फिर समिति वाले या कोई लाए होंगे उन्होंने सोचा कि मेरी माला है, अब यहाँ कोई सेवक बोलते कि ये गुरुजी को अर्पण होगा ये हमारी माला है, हम कह दूँ ये मेरी माला है। हकीकत में किसान बोलता है मेरा है, माली बोलता है मेरा है, भक्त बोलता है मेरा है, लेकिन यह माला पांच भूतों के तरफ जा रही है। इसमें जो जल तत्व है वो बाष्पीभूत होके जा रहा है, इसमें जो गंध है वो बिखरी हुई जा रही है, तो पांच भूतों से बना, इसने कुछ मिट्टी के कण खाए, कुछ जल पिया, कुछ सूर्य के किरण पिए, कुछ हवाएं और कुछ आकाश, ये पांच चीजों का है, तो ये पांच चीजों में से बना है, पांच चीजों के तरफ जा रहा है। माली कितना भी कह दे माल मेरा है, किसान कितना भी कह दे मेरा है, ग्राहक कितना भी कह दे मेरा है, और मैं कितना भी कह दूं कि हार मेरा है मेरा है, लेकिन ये जहाँ का है वहीं जा रहा है, एक एक फूल और अथवा पूरी माला, ऐसे एक एक व्यक्ति अथवा समाज की माला। बेटा पैदा होता है, माँ बोलती है मुन्नो मुंजो पट्टे मिला बेटा, मेला बेटा, मेरा बेटा, अली बबलू, अली बबलू, कह दे, लेकिन अंदर से समझो कि पांच भूतों का है, इसके अंदर जो आत्मा है वो सत्य है, और बाकी इसका तो ये पांच भूतों का खिलवाड़ है। बेटा मेरा है माँ बोलती है, कुछ बड़ा होता है दोस्त बोलते मेरा दोस्त है, पत्नी बोलती है मेरा पति है, मास्टर बोलता है मेरा शागिर्द है, शागिर्द बोलता है मेरे मेरा मास्टर है, ग्राहक बोलता है मेरा सेठ है, सेठ बोलता है मेरा नौकर है, मेरा मेरा कहने वाले कहते रहे, लेकिन वो जहाँ से पैदा हुआ उधर ही को बूढ़ा जा रहा है। जयराम जी की, दफना दो तो उसका मांस सड़ सड़ा के और उसका अग्नि तत्व बिखर जाएगा, उसका जल तत्व बाष्पीभूत हो जाएगा, उसका तेज तत्व तेज में विलय हो जाएगा, पृथ्वी तत्व मिट्टी में मिल जाएगा। अगर जला दो तो तुरंत ही तुरंत अग्नि अग्नि में मिल जाएगी, वायु वायु में मिल जाएगा, आकाश आकाश में मिल जाएगा, बाकी रहा पृथ्वी तत्व, हड्डियाँ हड्डियाँ घर लेके आओ, बोले घर नहीं टांग लाना, किसी पेड़ में टांग दो, हरिद्वार जाओ तो फेंक के आओ। जिसने जीवन भर मेहनत किया घर बनाया, उसकी हड्डियाँ घर में नहीं आ सकती बाद में, और फिर भी बोलते मैं तुम किसी को ना बताओ तो मैं एक प्राइवेट बात बताना चाहता हूँ, बता दो क्या प्राइवेट बात, बता दो, किसी को मत बोलना है, प्राइवेट बात है, एकदम प्राइवेट बात बोलो। चलो जानने दो, भागवत की कथा सुनाता हूँ, प्राइवेट बात नहीं, प्राइवेट बात सुनना चाहते फिर वो तुम्हारे पे भी लागू पड़ जाएगी। राजस्थान में सिरोही है, सिरोही के पास नाणा भीमाणा छोटा सा इलाका है, वहाँ का एक कुम्भार, उसका लड़का एक ही गधा था, गरीब कुम्भार था, गधे पे मिट्टी लाता था बस, मटके बनाता था। उस कुम्भार के बच्चे का कोई भाग्य जग गया, कथा में गया,
तो कथा में बाबा जी ने बताया कि तुम अगले जन्म में कौन थे वो भी देख सकते, और माता के गर्भ में कैसे लटक रहे थे वो भी देख सकते, और भगवान को भी पा सकते, मनुष्य जन्म इतना तुम्हारा महान है। तो लड़के ने महाराज के निवास पर जाकर आजीनी जारी की कि बाबा जी हम अगले जन्म में कौन थे वो कृपा करके हमको बताओ कि कैसे हमको पता चले। बाबा ने उसको रिवर्स ध्यान सिखा दिया, आज से 6 महीना पहले कैसे थे ध्यान में देखो, 2 साल पहले कैसे थे, 5 साल पहले कैसे थे, ऐसे करते करते 18 साल पहले कैसे थे और 19 साल पहले कैसे थे, कहाँ थे, तो दिखाया। तो उस लड़के ने देखा कि आई वॉज द करोड़ी महल, मैं करोड़ी महल कलकत्ता का सेठ और यहाँ गधा के पीछे मर रहा हूँ। उसको तो 42 रुपया अपना था, दूसरा उधारा उधारा लेके तो स्टेशन पे पहुँचा और ट्रेनें बदलता बदलता हावड़ा जंक्शन पे पहुँच गया भाई, हावड़ा स्टेशन कोलकाता। और ध्यान में जो देखा कि अगले जन्म का मैं करोड़ी मल सेठ, जाकर दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज़ आया, कौन है? इसने पहचान लिया कि मेरे बड़े बेटे का आवाज़ है। बोला कि मैं तेरा अगले जन्म का बाप हूँ, दरवाजा खोल। अरे छोरे ने तो आंखें दिखाई, लेकिन उसने कहा कि देख अपना 2 फैक्ट्री चलता है, स्पेयर पार्ट बनाते ही करते वो करते, और अपना 1 नंबर का ऐसा है, 2 नंबर का ऐसा है, ऐसे ऐसे फलानी फलाने चोर खाने में ऐसा ऐसा रखा है, और फलाने के घर अपन चौपड़े रखते और फलाना फलाना, ये सीक्रेट बातें बता दी। लड़के को लगा मानो न मानो है तो अगले जन्म का मेरा डैडी। दूसरे लड़के को बुलाया, तीसरे को बुलाया, फिर डोकरी को भी बुलाया, तो उसने कहा देख तेरी मेरी शादी हो रही थी और फेरे फिरते फिरते मैं जरा हाथ छुड़ा रहा था तो तूने चुंडी मारी, फिर मैंने 2 चुंडी मारी, फिर तूने अंगूठी उंगली पकड़ी, ये तेरे और मेरे सिवाय मुने की माँ कोई नहीं जानता है, बोल तेरा मेरा संबंध शादी हुआ था तब की बात मैं ही बता सकता हूँ। डोकरी समझती कि मानो न मानो है तो भूतपूर्व करोड़ी मल। सब ने मिलकर पूछा कि हवे थारी मर्जी कहाँ है, अब तुम्हारी इच्छा क्या है? उसने बोला कोई बात नहीं, ये तो घर मेरा है, तुम मेरे बाल बच्चे हो, मैं यहीं रहूँगा। सब ने साथ में मिलकर कहा कि चाहिए तो 200-500 रुपये ले ले, 1-2 गधा बढ़ा दे और वहीं मर, अब यहाँ नहीं रह सकता है। अब वो करोड़ी मल कलकत्ता का करोड़ी मल हो चाहे औरंगाबाद का कोई सेठ हो, एक बार मरकर फिर आओ तो आपको घर में रहने देंगे क्या? जयराम जी की रहने देंगे क्या? कि ये कंपनी मेरी है, ये घर मेरा है, ये दुकान मेरा है, इतने गहने थे, इतना ये था, सब भी बताओ। तो ये शरीर हकीकत में तुम्हारा नहीं है, ये 5 भूतों का है, और ये वस्तुएं तुम्हारी नहीं है, 5 भूतों की है, इनका उपयोग करो, तुम्हारा आत्मा है और परमात्मा का सनातन हंस है, इसका अनुभव कर लो तो बेड़ा पार हो जाए। शरीर का और वस्तुओं का सदुपयोग करो और आत्मा और परमात्मा का सत्य ज्ञान पाओ, ये श्रीमद्भागवत का उद्देश्य है। परीक्षत को 7 दिन में जब मुक्ति का अनुभव हुआ तो स्वर्ग में देवताओं लोगों को आश्चर्य हुआ, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ने तराजू बांधकर व्रत, चांद्रायण व्रत, होम हवन यज्ञ याग जप तप आदि सारे सत्कर्मों का फल एक तराजू में रखा पल्लड़ में, और श्रीमद् भागवत का पुण्य दूसरे पल्लड़ में रखा, तो भागवत कथा का पुण्य भारी उतरा। ये भगवत कथा होम हवन यज्ञ याग तप आदि से भी ऊंची है। ये श्रीमद् भागवत का ऐसा अद्भुत प्रसाद है कि कलयुग के दोषों में जिनका चित्त दूषित हो गया ऐसे लोग भी भगवत कथा सुनकर भगवत भाव को प्राप्त हो गए। मंदा सु मंद मतयो मंद भाग्या उपुप्रद्रुता पाखंडरता संता विरक्ता सपरिग्रहा।